हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं लोहागढ़, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको गढ़ और बताते हैं उसके बारे में आपको सब कुछ। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये लोहगढ़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से अपन चढ़ाई स्टार्ट करते ऊपर चढ़ने के लिए। और गढ़ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ देना पड़ता है पर पर्सन, तो मैंने दे दिया हूँ। और चलो चलते हैं ऊपर। अब तो ऊपर चढ़ते चढ़ते इस किले के बारे में थोड़ा जानते, लेकिन उससे पहले आप यहाँ कैसे आओगे वो थोड़ा बता देता हूँ। यह किला लोनावाला से करीब करीब 15 किलोमीटर दूरी पे, और लोनावाला से आपको लोकल लेके मालवनी आना पड़ेगा। और अगर पूना से आ रहे हो तो भी आपको मालवनी में उतरना पड़ेगा। और वहाँ से जब आप बाहर आ जाओगे तो आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, और वो पर पर्सन 50 रुपये चार्ज लेता है, और वो आपको गढ़ तक छोड़ दे। तो आप थोड़ा इस गढ़ के बारे में जान लेते। तो यह किला 1050 मीटर से भी ऊंचाई पे स्थित है, और इस किले को ज़्यादातर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया है। और यह किला सिर्फ 5 वर्षों के लिए मुगलों के पास गया था। और 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 1665 में पुरंदर के संधि के चलते यह किला शिवाजी महाराज को मुगलों को सौंपना पड़ा। और 1670 में इस किले को फिर मराठा साम्राज्य में शामिल किया, और इसका इस्तेमाल वो अपने खजाने रखने के लिए करते थे। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये गणेश दरवाजा है, और अभी भी ये दरवाजा और ये गढ़ ऐसे कंडीशन में है क्या? कोई बोलेगा नहीं क्या ये शिवाजी महाराज के काल का गढ़ है? और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस गढ़ पे आके। और चलो चलते हैं अभी धीरे धीरे ऊपर और दिखाते ऊपर से आपको पूरा गढ़। और इस गढ़ पर बच्चे बूढ़े सब कोई चढ़ सकता है, क्योंकि ऊपर तक सीढ़ियाँ बनी हैं, और ज़्यादा भी सीढ़ियाँ नहीं है तो सब चढ़ सकते हैं ऊपर। और ऊपर किले तक इसके चार दरवाजे हैं। पहला गणेश दरवाजा, दूसरा हनुमान दरवाजा, तीसरा नारायण दरवाजा और चौथा महादरवाजा। और ये सब दरवाजे आपको मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। और यह किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया है, और आपको यहाँ प्राचीन कलाएं देखने मिलेंगी, जैसे कि सीढ़ीदार कुआं और बड़ा तालाब, और किले से पावना बांध की झलक भी देखने मिलती है। अभी आप देख सकते हो थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ये गढ़ कैसा दिखता है। और थोड़ा ऊपर आने के बाद बहुत ही अच्छे व्यू आने लग गए थे, और क्योंकि पास का जो डैम है वो भी दिख रहा था, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा आया ऊपर चढ़ने में। और अभी थोड़ा सा बाकी है मेरा, तो चलो चलते हैं धीरे धीरे आगे। और अभी आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ये बीसापुर गढ़ है, और लोहगढ़ से वो 1 किलोमीटर दूरी पे है। और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ये पानी का टांका मिला हमको, जहाँ का पानी एकदम साफ था, जो आप पी भी सकते हो। तो अभी हम जस्ट दूसरे दरवाजे के पास पहुंचे हैं, जो नारायण दरवाजा है। तो चलो दिखाता हूँ वो दरवाजा आपको, और अभी आप देख सकते हो दरवाजा। तो चलो चलते हैं अंदर और बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम जस्ट हनुमान दरवाजे के पास आए हैं, तो चलो वो दरवाजा दिखाते हैं आपको और उसके बाद अंदर चलते। तो आप देख सकते हो ये हनुमान दरवाजा है, और अभी भी बहुत अच्छे कंडीशन में है ये, और दोनों साइड हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ। और जैसे ही अंदर गया तो सबसे पहले मुझे यहाँ एक मस्जिद दिखी, और यहाँ एक ही मस्जिद नहीं है, यहाँ ऐसी 3 मस्जिद है। तो अभी आप देख सकते हैं शिवकालीन सभागृह, अभी तो ये पूरा टूट गया है, कुछ भी नहीं है, बस वहां पे तोफे रखी हुई है। और थोड़ा आगे आने के बाद ये तालाब दिखा हमको, और यहाँ एक मंदिर भी है, तो उसके दर्शन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। और मंदिर के जस्ट साइड में एक सीढ़ियों वाला कुआं है, तो देख सकते हो आप ये कुआं। तो अभी मैं पूरे आपको पूरा गढ़ का व्यू दिखाता हूँ,
क्या क्या बचा है क्या नहीं है, सब कुछ आपको दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के। और एक टोक है यहाँ, वहाँ भी चढ़ेंगे आगे में, लेकिन पहले अभी देख सकते हो आप पूरा ये व्यू। तो इधर तो हो गया, तो अभी चलते हैं विंचुकड़ा, तो वो दिखाते हैं आपको सबसे पहले। तो देख सकते हो आप विंचुकड़ा, ये दूर का व्यू है उसका, तो अभी पास में जाके दिखाते हैं उसको। तो अभी आप देख सकते हो विंचुकड़ा के पास में आ चुके हैं हम, और यहाँ एकदम सीधी खाई है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस एक टोक है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हो गया इस पूरा गढ़ घूम के, ऐसा कुछ अभी बचा नहीं है गढ़ पे, बस ट्रेकिंग के हिसाब से आओ आप, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। तो चलो उतरते नीचे, हो गया पूरा गढ़ घूम के मेरा।